हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योटोगुरु गेमिंग चैनल एंड मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त योटोगुरु। तो गाइस वापस आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ और आपको बताते चलें कि ओल्ड एलीट पास की कंफर्म डेट क्या है, क्योंकि रिसेंटली जब मैंने एक वीडियो अपलोड की थी तो उसके नीचे काफी ज्यादा ऐसे मुझे कमेंट देखने को मेरे कह रहे थे 25 को आ रहा है, 31 दिसंबर को आ रहा है। तो बहुत सारे बंदे जो है वो कमेंट सेक्शन में भी ऐसे दिखाई दे रहे थे जो अपनी तरफ से जो है वो डेट कन्फर्म कर रहे थे। लेकिन अगर वो मेरी वीडियो किसी ने पूरी नहीं देखी थी तो मैं बताता चलूँ कि वो वीडियो पहले देख लें ताकि आपको इस वीडियो से समझ आ सके कि भाई मैंने उस वीडियो में क्या बोला था। क्योंकि गाइस रिसेंटली वीडियो में मैंने यही शेयर किया था कि हम लोग इस बारे में डिस्कस नहीं करने वाले कि जो है वो लीड पास वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बल्कि मैंने इस बारे में डिस्कस किया था उस वीडियो के अंदर जो कि मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो बाद में देखी गई और बाद में बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते हुए नजर आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग फिर सर्च कर रहे थे कि भाई ओल्ड लीड पास के ऊपर किसी ने कोई वीडियो बनाई है या नहीं बनाई, क्योंकि मैंने वो सबसे पहले इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई थी। लेकिन बहुत सारे बंदों ने उसको इग्नोर कर दिया कि भाई कोई मतलब चक्कर ही नहीं है, आ जाएगा। तो उसके अंदर मैं बेसिकली कुछ चीज़ें शेयर की थी, वो ये थी कि गाइस यहाँ पर जो है वो ओल्ड एलीट पास अगर बाकी सर्वर में आ रहा है तो पाकिस्तान सर्वर में क्यों नहीं आ रहा, तो उसके बारे में मैंने वहाँ पे शेयर किया था। खैर हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पर इस वीडियो में लेकर आए हैं कि आपके ओल्ड एलीट पास अगर आ रहे हैं पाकिस्तान सर्वर में तो उसकी डेट क्या रहने वाली है, क्या वो वाकई में पाकिस्तान सर्वर में आ जाएंगे। पहले तो ये सवाल रहने वाला है, तो मैं बताता चलूँ कि गाइस पाकिस्तान सर्वर में ओल्ड एलीट पास ज़रूर आने वाले हैं। और ये वीडियो आप बेशक संभाल के रख लीजिए, क्योंकि रिसेंटली जो है वो मेरी बात को सीरियसली लिया गया था और फिर उसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा बंदों ने मैसेजेस किए थे उस वीडियो के नीचे कि भाई हाँ बिल्कुल आपने सही कहा था। और इस वीडियो को ज़रूर संभाल के रख लीजिएगा इसलिए कि आपके ओल्ड एलीट पास वापस आने वाले हैं। डेट के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि डेट कोई कन्फर्म नहीं हुई अभी तक, लेकिन हाँ ओल्ड एलीट पास के वापस आने की जो एक बात है वो इसलिए कन्फर्म है क्योंकि मुझे रिसेंटली पता चला है कि भाई ओल्ड एलीट पास का जो बेसिकली मकसद था उसको लाने का, वो चीज़ जो है वो इंडिया या बांग्लादेश या जिस सर्वर में वो एलीट पास आए हैं वहाँ से पूरा हो चुका है। तो इसमें कोई ऐसी रेयर चीज़ बाकी नहीं रही, जैसे हमने रिसेंटली देखा क्रिमिनल हम लोगों ने वापस आते हुए देखे, उसमें तो कोई मतलब फ़र्क नहीं था, उधर जो आए थे इधर फ़ौरन से आ गए थे। तो पाकिस्तान सर्वर में इतना लेट क्यों किया गया एलीट पास को, पाकिस्तान सर्वर में क्यों नहीं ओल्ड एलीट पास दिए गए? और फिर एक न्यू वर्जन के लीड पास देखने को मिले जो कि हमें एंजेलिक पेंट हमारे सर्वर में आई है और उस एंजेलिक पेंट में वो वाली जो थीम है हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात करते हैं लीड पास की तो हमें ओल्ड लीड पास वैसे नॉर्मल भी नहीं दिए गए और उनके साथ साथ जो उन्होंने अपग्रेड करके देने हैं वो भी नहीं दिए गए थे। तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि ओल्ड लीड पास बिल्कुल आने वाले हैं और इसी मंथ यानी कि जनवरी के लास्ट तक आप लोगों को अपने पाकिस्तान सर्वर में ओल्ड एलीट पास देखने को मिल जाएंगे। ये अब बात ये है कि डेट कौन सी रहने वाली है ये इसके ऊपर मैं कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अगर मुझे डेट कंफर्म का भी पता चल जाता है तो मैं वो भी ज़रूर शेयर कर दूंगा। लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में ओल्ड एलीट पास वापस आने वाले हैं और वो आपको बहुत जल्द ओल्ड एलीट पास इस गेम में देखने को मिल जाएंगे। अब वो न्यू वर्जन की सूरत में आते हैं जो कि न्यू थीम उन्होंने दी है या फिर ओल्ड एलीट पास की ही थीम में आते हैं, तो वो जो है वो कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ पाकिस्तान में ओल्ड एलीट पास वापस आने वाले हैं जो कि आपको इस जनवरी के मंथ में ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। तो आप ही कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि भाई ये ओल्ड एलीट पास अब मैं पूछ सकता हूँ कि ये आने चाहिए थे कि नहीं आने चाहिए थे, क्योंकि रिसेंटली वीडियो में तो मुझे कन्फर्म था कि भाई ये अभी नहीं आने वाले, लेकिन अब मुझे कन्फर्म है कि ये ओल्ड एलीट पास वापस आने वाले हैं। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तान सर्वर में अब ओल्ड एलीट पास अगर वापस आ रहे हैं तो ये आना ठीक है या नहीं ठीक, वो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।